हेलो बच्चों, आप सभी का YRS क्लास में स्वागत है। तो आइए आज हम चलते हैं प्रश्नावली 4.3। प्रश्न नंबर, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर एक के प्रश्न नंबर एक और दूसरे पार्ट को हल कर लिए थे। तो आइए आज हम चलते हैं प्रश्न नंबर तीन और प्रश्न नंबर चार हल करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न नंबर तीन कह रहा है यहाँ से, 4x² + 4√3x + 3 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। जो ये पूरा फॉर्म लिखा है ना, तो ये लिखा है ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लिखा है। ठीक, हम करते क्या हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उसको हम पहले हटाते हैं। ये कैसे हटेगा, जो चार यहाँ पर स्क्वायर का गुणांक लिखा है, सबसे पहले इस चार को तीनों पद में भाग कर देंगे। तो लिखेंगे 4 / 4x² + 4√3x + 3/4 = 0 यहाँ से हुआ। अब 4 से 4 कट गया, ये भी कट गया, बचा यहाँ से केवल x² + √3x + 3/4 = 0। तो यहाँ पर जो x स्क्वायर था ना, इसका जो गुणांक यहाँ पर 4 था, अब यहाँ से गायब हो गया, गायब हो गए ना। अब नियम कहता है जब इसका गुणांक गायब हो जाता, जब इसका गुणांक केवल एक बचता है, तब करते क्या है, जो यक्स का गुणांक है, गुणांक क्या बच्चे दिया है, √3, यक्स के गुणांक का आधा कर दो, यानी 1/2। तो √3 = √3/2, यक्स के गुणांक का आधा का वर्ग करके एक बार जोड़ दो, फिर एक बार घटा दीजिए। तो इस वर्ग से कट जाए केवल 3, 2 का वर्ग 4, फिर -3, 2 का वर्ग यहाँ से 4 हो जाएगा। जो यक्स का गुणांक √3 दिया, इसका पहले आधा करेंगे 1/2, यहाँ पर जो मान आया उसका वर्ग कर देंगे, एक बार जोड़ देंगे, फिर दूसरी बार घटा देंगे, यानी यहाँ पर हो गए x² + √3x ये हुआ, +3/4 - 3/4 + 3/4 ये वाला है, बराबर हो गया 0। बराबर बच्चों क्या हुआ, यहाँ से आपको 0 मिल गया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से x² + 3/4 इसे लिख सकते हैं √3/4 2² पूरे का होल स्क्वायर, यानी a² + b² + 2a, एक मान x है जबकि b का मान है √3/2। जब इस पूरे मान को हम हल करते हैं ना, तो आपको ये बीच वाला मान मिलेगा, 2 से 2 कटेगा, √3x आपको मिलेगा। ठीक, अब यहाँ से बचा क्या, -3/4 + 3/4 = 0। ठीक, यानी x² + √3/2 2a × √3/2, यानी a² + b² + 2ab फार्मूला हो गया यहाँ से, x + √3/2² - -3/4 + 3/4 और यहाँ मिला 0 = 0, यानी x + √3/2 2² = 0। किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि वही संख्या स्वयं लिख दी जाती है। अब करें क्या, x + √3/2 घात क्या है 2, यानी इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, x + √3/2 x + √3/2 = 0, यानी यहाँ पर 2 पद हैं, दोनों ब्रैकेट में हैं, दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर हैं, दोनों को हम अलग अलग कर देंगे, यानी x + √3/2 = 0, x = √3/2 + में है करेंगे पक्षांतर तो होगा -√3/2। ठीक, नेक्स्ट सेम टू सेम यही मान फिर आएगा, तो x + √3/2 = 0, तो x = -+√3/2 = -√3/2, यही मान आपको सेम टू सेम मिला। यानी जो पूरा फॉर्म दिया था 4x² + 4√3x + 3 = 0, चर की घात क्या है, 2 है, तो इसके 2 मान होते हैं। अगर इसकी घात 1 होता तो इसकी केवल 1 मान होता, घात 2 है ना, 2 मान आपको यहाँ से मिला, x = -√3/2 फिर मिला, x = -√3/2। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है यहाँ से, 2x² + x + 4 = 0 को हल कीजिए। ठीक,
किस नियम से पूर्ण वर्ग बनाकर, ये जो पूरा फॉर्म लिखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पर जो x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वही आपका एक मान कहलाता है। गुणांक क्या a है, गुणांक क्या है 2, यानी एक मान क्या हो गया 2। जब पूर्णक बनाते हैं, जो स्क्वायर का जो गुणांक होता है, x स्क्वायर या y स्क्वायर हो, उसको हम पहले हटा देते हैं। ठीक, तो ये दो हटाना पड़ेगा यहाँ से, जैसे प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 को हटाए थे ये गुणांक। ठीक, तो यहाँ पर 2 से दोनों सब में भाग कर दीजिएगा, तो यहाँ से हुआ 2x² / 2 प्लस 1/2x प्लस 4/2 = 0 हो गया। 2 से 2 कटा, बचा यहाँ से x² + 1/2x प्लस 4 / 4/2 = आपको मिल गया 0। ठीक, अब नियम कहता क्या है, x का गुणांक क्या दिया है, 1/2, क्या दिया है गुणांक, 1/2 दिया है। x के गुणांक का आधा यानी 1/2, यानी होगा 1 × 1 = 2, 2 × 4, यानी जो 1/2 दिया है इसका आधा क्या होता है, 1/4 होता है। अब जो मान आया है इसका आधा 1/4 है, इसी का हम वर्ग कर देंगे, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 4 का वर्ग 16 हो गया। इसी मान को एक बार जोड़ देंगे, फिर इसी मान को एक बार हम घटा देंगे, तो यानी यहाँ मिला आपको x² प्लस 1/2x प्लस 1/16 माइनस 1/16 प्लस 2 × 4 = आपको मिला 0। ठीक, 2 × 4 आपको मिल गया 2, बराबर में आपको मिला 0। तो यानी यहाँ पर x² प्लस 1/16 का वर्गमूल 1, 16 का वर्गमूल 4, 1/4² प्लस 2a, एक मान आपका x है, गुणे b मान है 1/4। ठीक, जब इस पूरे मान को हम हल करते हैं तब आपको 1/2x आपको मिलेगा, 2 × 4, 1/2x आपको मिला। जब मान सेम टू सेम मिले, ये मान सेम टू सेम मिले जब, तभी मान आपका सही है। ठीक, अब यहाँ पर करें क्या, बराबर 2, पहले +2 दिया, पक्षांतर -2 होगा, -1/16 दिया है, पक्षांतर +1/16 हो जाएगा, यानी x² प्लस 1/4, ऐसे हम b मानेंगे, b² प्लस 2ab, फार्मूला बना यहाँ से, x प्लस 1/4² बराबर -16 × 32 प्लस 1/16, तो x प्लस 1/4² बराबर -31/16। अब बच्चों देखिए, जो दायां पक्ष आया है उसका मान नेगेटिव में आ गया है ना, किसमें आया है, नेगेटिव में आ गया है। जब यहाँ से वर्ग हटता है तो दाएं पक्ष में वर्गमूल का निशान लग जाता है, यानी 1/4 बराबर रूट लगा -31/16। जब दाएं पक्ष मान नेगेटिव में हो, रूट में लगा हो, तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात क्या, ये पूरा मान क्या है, काल्पनिक संख्या है, जो कि एक काल्पनिक संख्या है। तो इतना समझ लेना, जब रूट के अंदर मान नेगेटिव में लिखा हो, ऋण में लिखा हो, तो मान क्या होता है, काल्पनिक संख्या है, जो कि कक्षा 11 में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक, तो नीचे लिखेंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरणों के का अस्तित्व नहीं है। अगर यही मान नेगेटिव में ना होता तब ये मान आसानी से निकल जाता। ठीक, जैसे -1 लिखा जाए, ये सभी क्या है, काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चों, दाएं पक्ष क्या है, रूट में है, और वह मान नेगेटिव में लिखा गया है, इसीलिए ये पूरा मान क्या होगा, एक काल्पनिक संख्या है। अतः दिए गए द्विघाती समीकरणों का अस्तित्व नहीं है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर
तीसरा और प्रश्न नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कमेंट करें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।